मैसेल्फ गिरिराज सर अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए हनीड्यू पाठ पुस्तक से लेसन 6 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। पाठ का नाम है दिस इज जोडीज फान। पाठ का नाम क्या है? दिस इज जोडीज फान। यह जोड़ी का मृग शावक है। इसका सेकंड पार्ट लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। कृपया सभी विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। सबसे वर्ड्स मीनिंग्स, गेम ओवर रोक दिया, एवन डे निर्जन या वीरान, अनविलिंग अनिच्छुक, डिसअपॉइंटमेंट निराशा, एंड्यूर सहन करना, शेयर बांटना, स्क्रब में झाड़ियां, गॉड लॉस भटक गया, वांडर भटक गया, दोनों का देखिए, पाइन सीड का पेड़, बीएल कुतुब नुमा, ओवलाइज आभारी, भूख खुर, क्रेकली चरमराहट, वंडर हैरान या अचंभित, हैरान या अचंभित, इंस्टेंट पल भर, डायरेक्शन में दिशा, बजार गिद्ध, फ्लैट फड़फड़ाए, ट्विग्स टहनिया, कारकास शव, स्प्रेनी पतली, बॉड शाखाएं डाल, एजेसेंट पास्का, कैरियन कैरियन में सोता है सड़ा गला मांस, क्लेम फड़फड़ाए, इम्पेशेंट आतुर या अधैर्य। ये पार्ट सेकंड की वर्ड्स मीनिंग्स है। प्लीज या तो आप इन्हें लिख लें या स्क्रीनशॉट लें, आपके सामने स्क्रीन क्लियर ले सकते। अब मैं आपको इस पार्ट का ट्रांसलेशन समझाने जा रहा हूँ, तो प्लीज अपने पाठ्य पुस्तक का लेसन 6 पार्ट सेकंड पेज क्रमांक 89 खोलें ताकि आपके आप अच्छी तरह समझ में आ सके। देखिए पार्ट फर्स्ट में वर्णन किया था कि जोड़ी के पिता को रेटल सांप काट लेता है और वह तुरंत हिरणी का शिकार करता है और उसके हार्ट और लिवर को सांप के जहर को दूर करने के लिए यूज लेता है, लेकिन हिरणी का बच्चा अलग माँ से बिछड़ जाता है, भूखा रहता है, जंगल में डरा हुआ रहता है, तो वह अपने पिता से परमिशन लेकर वह फान मृग शावक को ढूंढने के लिए मिल भील के साथ जंगल में प्रस्थान करता है। अब देखो आगे क्या होता है, सेकंड पार्ट में देखें। जोड़ी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट ऑफ द फान, छोड़ दिया रोक दिया, गेव एवर रोक दिया, जोड़ी गेव हिमसेल्फ ओवर, जोड़ी ने अब अपने आप को उस बच्चे के बारे में सोचने से रोक दिया, उसने सोचना बंद किया। दे पास द एवंडेंट क्लियरिंग, जो निर्जन जंगल था उससे होकर वहां से गुजरने लगे, वीरान साफ मैदान वहां से होकर गुजरे। ही सेड, उसने कहा, कट टू द नॉर्थ, उत्तर की चलो, उत्तर की दिशा की ओर चलो मिलवील, इट वाज अप हियर दैट पाथ गॉट बिटन बाय द स्नेक, तो इट वाज वह वहीं पर था, वेन पा गॉट बिटन बाय द स्नेक, जब पिताजी को सांप ने काटा था उस समय वो वही था, एंड किल्ड द डॉग, और हिरणी को मारा, एंड आई सा द फान, और मैंने उस बच्चे को वहां पर देखा। तो इसलिए उत्तर की तरफ चलो वही मिलेगा। सडनली जोड़ी वाज अनविलिंग टू हैव मिलवील विद हिम, अचानक जोड़ी जो था
वह मिल व्हील को अपने साथ ले जाने के लिए इच्छुक नहीं था। वो नहीं चाहता मिल व्हील मेरे साथ चले। इफ द फान वाज डेड, यदि वो मृग शावक मर गया और कुड नॉट बी फाउंड या उसे पाया नहीं गया तो क्या होगा? ही कुड नॉट हैव ही डिसअपॉइंटमेंट सीन, वह उसकी निराशा को देख नहीं सकता था। तो वह अपनी निराशा दिखाना नहीं चाहता, क्यों? वो मान लो वो मर गया होगा या मिलेगा नहीं तो जोड़ी निराश हो जाएगा और अपनी निराशा मिल व्हील को दिखाना नहीं चाहता था। एंड इफ द फान वाज देयर, और यदि मरसावा वहीं मिला तो द मीटिंग वुड बी सो लवली, उसका मिलन इतना सुंदर और गुप्त होगा, सो सीक्रेट दैट ही कुड नॉट एंड्योर टू शेयर इट, कि वह इसे बांटना सहन नहीं कर सकता, अपनी प्रसन्नता दूसरे के साथ नहीं बांट सकता था। इसलिए वो चाहता था कि मिल व्हील यहीं रुक जाए और मैं उसे ढूंढने अकेला ही जाऊं। नेक्स्ट आगे दिए, ही सेड, उसने कहा, इट इज नॉट फार नाउ, ये अब ज्यादा दूर नहीं है, बट द स्क्रब इज वेरी थिक, लेकिन झाड़ियां बहुत घनी हैं, फॉर ए हॉर्स, कि घोड़ा इसके अंदर होकर प्रवेश नहीं कर सकता, चल नहीं सकता, इसलिए आई कैन मेक इट ऑन फुट, मैं पैदल ही जाऊंगा, घोड़ा नहीं चल सकता, मैं इसको पैदल ही पार करूंगा, इसलिए तुम यहीं रुको। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, लेकिन बच्चे मुझे तुम्हें छोड़ने में डर लगता है, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। सपोज यू गॉट लॉस्ट, मान लो तुम रास्ता भटक गए और गॉट बिटन बाई द स्नेक थ्रू, और तुम्हें भी मान लो सांप ने काट लिया तो क्या होगा? आई विल टेक केयर, मैं मेरी देखरेख कर लूंगा, चिंता मत करो, डोंट वरी, आई विल टेक केयर, इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड द फान, मुझे उस मृग शावक को ढूंढने में लंबा समय लग सकता है। इफ ही वाज वांडर्ड, यदि वो भटक गया होगा तो मुझे उसे ढूंढने में क्या लंबा समय लगेगा। लीव मी ऑफ राइट हेयर, तुम मुझे यहीं छोड़ दो, तुम मुझे क्या है, यहीं छोड़ दो। आगे दिया है, ऑल राइट, ठीक है, बट यू टेक इट इजी नाउ, तुम इसे सरलता से ढूंढना, आराम से काम करना। यू नो नॉर्थ हेयर एंड ईस्ट, तुम यहां उत्तर और पूर्व जानते हो कि उत्तर दिशा किधर है और पूर्व दिशा किधर है। मिल व्हील ने कहा, ठीक है छोड़ देता हूं। देयर एंड देयर, वहां वहां, देट ताल पाइन मेक ए बियरिंग, मेक ए बियरिंग दिशा सूचक यंत्र का कार्य करना, यह लंबा जो चीड़ का पेड़ है वो मेरे लिए दिशा सूचक यंत्र का कार्य करेगा। सो लॉन्ग, तब तक, सो लॉन्ग मिल व्हील, विदा लेता हूं, आई एम ऑब्लाइज, मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं। इस प्रकार से जोड़ी ने मिल व्हील को वहीं छोड़ दिया और स्वयं अकेला उस फान यानी मृग शावक को ढूंढने के लिए निकल गया। ही वेटेड फॉर द साउंड, ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ द हूफ टू एंड, अंत तक उसने घोड़ों के खुरों की आवाज की प्रतीक्षा की। वो सोच रहा था कि घोड़ों के खुरों की आवाज खत्म हो जाए, एंड देन कट टू द राइट, फिर दाई तरफ चला। द स्क्रब वाज स्टिल, झाड़ियां बिल्कुल शांत थी, किसी प्रकार की झाड़ियों कोई गतिविधि नहीं थी। ओनली हिज ओन क्रेकलिंग और क्रेक्स, खुद की टहनियों की चटकने की आवाज उस चुप्पी को तोड़ रही थी, और किसी का आवाज नहीं थी, जो वो जा रहा था ना उसी के पैरों से डाली हुई टूटने की आवाजें आई थी। ही वंडर्ड फॉर एन स्टैंड, उसे बड़ा अचंभा भी हुआ,
wondered for an instant if he had mistaken his direction. वो सोच रहा था कि कहीं वो दिशा में तो नहीं, गलत दिशा में तो नहीं आ गया। तो सिर्फ उसे हैरान हो गया कि कहीं वो एक गलत दिशा में तो नहीं। Then a buzzard rose in front of him. तभी उसके सामने एक गिद्ध खड़ा हो गया and flapped into the air, और हवा में अपने पंख फड़फड़ाने लगा। उस जोड़ी के रास्ते में कौन आ गया? एक बड़ा गिद्ध बल्चर, और हवा में पंख फड़फड़ाने लगा। He came into the clearing under the oak, और वह बलूत के पेड़ के नीचे से खुली जगह में आ गया। क्लियरिंग का मतलब होता है ओपन स्पेस, खुली जगह। पहले बलूत के पेड़ के नीचे था, बाद में वो कहां पर आ गया? खुली जगह। बजाज सेट इन ए सर्किल अराउंड द कक्कास ऑफ द डव, और हिरणी के शव के पास जो गिद्ध थे एक सर्किल चक्र बनाकर एक गोल चक्र में बैठे हुए थे। दे टर्न दियर हेड्स, उन्होंने अपनी गर्दनें हिलाई। ऑन दियर लॉन्ग स्क्रोनी नेक, लंबी और पतली गर्दन से। एंड हिस्ट एट हिम, और उसकी तरफ क्या फुफकारी मारी। तो ही थ्रू हिज बॉट एट देम, और जोड़ी ने एक डाली को उसे फेंका, किंतु गिद्ध का ग्रुप था उसे फेंका। एंड दे फ्लू इनटू एन एडजेस्टेंट ट्री, और पास के पेड़ पर जाकर वो उड़ गए और पेड़ पर जाकर बैठ गए, कि पेड़ की डाली फेंकी, डर गए और वो वहां से उड़कर चले गए। द सैंड शोड ए लार्ज कैट प्रिंट्स, उस रेत में एक बड़ी बिल्ली के निशान दिखाई दिए। अब बड़ी बिल्ली का मतलब यहां पर शेर के निशान दिखे। बट द बिग कैट्स किल्ड फ्रेश, लेकिन जो शेर होता है वो ताजा शिकार करता है, ऐसे किसी दूसरे के शिकार को वो नहीं खाता। एंड दे हैड लेफ्ट द डव टू द कैरियन बर्ड्स, और उन्होंने उस डव को कैरियन बर्ड्स के लिए छोड़ दिया। सड़े गले मांस को क्या है उन्होंने पक्षियों के लिए छोड़ दिया। वो जानता है वो खुद शिकार करके खाता है, तो सड़ा गला मांस था वो उन्होंने पक्षियों के लिए छोड़ दिया। He parted the grass at the place. उसने घास को व्यवस्थित किया, एक तरफ कर हटा दिया। Where he had seen the fawn, जहां पर उसने मृग शावक को देखा, तो वहां की घास को एक तरफ हटाया। It did not seem possible. ये संभव प्रतीत नहीं हुआ। That it was only yesterday. ये कल की बात थी, ऐसा नहीं लग रहा था, ये कल ही की बात थी। द फान वाज नॉट देयर, मृग शावक वहां नहीं था। ही सर्किल्ड द क्लियरिंग, उसने क्या किया, वृक्ष रहित जगह चक्कर लगाए, जहां पर खुली जगह थी वहां पर चक्कर लगाए। देयर वाज नो साउंड, कोई आवाज नहीं थी। देयर वाज नो साउंड, वहां पर कोई आवाज नहीं थी। नो साइन, कोई संकेत नहीं था। द बजार्ड क्लैक्ड देयर विंग्स, गिद्ध ने अपने पंखों को फड़फड़ाया। जो गिद्ध थे उन्होंने अपने पंखों को फड़फड़ाया। इम्पेशेंट टू रिटर्न टू देयर बिजनेस, अपने कार्य के लिए वापस लौटने को आतुर हो रहे थे, ये कब जाए और कब हम वापस मांस खाने। He returned to the spot where the fawn had emerged. वह उस स्थान पर लौटा जहां पर वो मृग शावक दिखाई दिया। And dropped on all fours, और उसने चित्त पड़ा हुआ था वहां पर वो आया। Studying the sand, और रेत का अध्ययन किया। फोर स्मॉल हूप प्रिंट, छोटे छोटे खुर के जो निशान होते हैं उनके लिए रेत को देखा कि कहीं इस पर मृग शावक के खुरों के निशान तो नहीं है। द नाइट रेन हेड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स,
रात की बरसात ने सारे संकेतों को मिटा दिया, सारे निशानों को क्या है मिटा दिया। एक्सेप्ट ऑफ कैट्स एंड बजान, केवल बड़े बिल्ली शेर और गिद्ध के निशानों के अलावा उसने आसपास के सभी छोटे छोटे निशानों को क्या है मिटा दिया। किसने मिटा दिया था? रात्रि की बरसात ने उन निशानों को क्या है मिटा दिया। इस प्रकार से जोड़ी ने उस फान यानी मृग शावक को ढूंढने का प्रयास किया। यहां पर पार्ट थर्ड कंप्लीट होता है, सॉरी यहां पर हमारा पार्ट सेकंड कंप्लीट होता है, और थर्ड पार्ट के लिए अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहता हूं। अंत में आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा कि परीक्षा में अच्छे अंक लाने तो अच्छी तैयारी करें, नियमित वीडियो देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आने वाले वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले उसे लाइक करें। इतना ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद।